चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉमनवेल्थ मेडल विजेता बबीता फोगाट आज इंटरनेशनल वुमेन डे पर ऑडिटोरियम में पहुंची। महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर उन्होंने अपनी राय खुलकर दी। साथ ही छात्र छात्राओं ने इस दौरान मनमोहक नाटक तथा नृत्य भी पेश किया। बबीता फोगाट ने इस दौरान अपनी छोटी बहन रितु फोगाट के रेसलिंग छोड़कर एमएमए अपनाने के ऊपर भी खुलकर बात की तथा उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। अगर वो किसी एक महिला को भी अगर वो सुरक्षा दे पाते हैं तो रियल में ये महिला दिवस तभी मनेगा। ओलंपिक आने वाला है, इसमें अब जो महिलाएं हैं किस तरह लगते बढ़ोतरी किस तरह होने वाली है ओलंपिक में, महिलाओं को किस तरह बढ़ोतरी होने वाली है, पिछले बार जो था। देखिए बिल्कुल, अगर आप ओलंपिक की बात करें तो आपने पिछला ओलंपिक देखा होगा, अगर देश में ओलंपिक में अगर किसी ने लाज बचाई तो वो दो देश की बेटियां हैं, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु, उन्होंने ही हमारे देश की लाज बचाई है। जिस टाइम पे पूरा देश नजर टिकाए हुए बैठा था कि कोई एक मेडल तो आ जाए तो वो देश की लाज बचाने वाली महिला ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि महिला को किस उस पर देखेंगे, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का मैदान हो, चाहे वो राजनीतिक मैदान हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो आप महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं आ सकते, चाहे वो हमारे देश में आज़ादी की दिलाने में उनका हाथ हो, चाहे वो कंधे से कंधा मिलाकर हर टाइम महिलाएं पुरुषों से साथ चलती हैं, और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो कस्तूरबा गांधी जी हो, कोई भी हो, हर किसी का हर चीज़ में हाथ है। चंडीगढ़ से आज प्रकाश टीवी।